तुम मेरे देवा ही हो ना। जीताराम हिंसा, मैं देवा। मुझे पता था तुम मेरे देवा ही हो। अगर आपको पता था कि मैं ही आपका देवा हूं तो आपने ये सवाल पहले क्यों नहीं पूछा? मुझे लगता है कि तारा मैम सब अपने देवा को भूल चुकी है। भूल चुकी देवा मेरी सांसों में, मेरे हर पल में। देवा को कभी नहीं भूल सकती हूँ। कुछ समझ ही नहीं पा रहा, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रही हूँ मैं। हम मरने वाले हैं क्या? आप मर जाएंगे तो मेरे बाबा का ख्याल कौन रखेगा? आपको कुछ नहीं होगा तारा मेम साहब, आपका देवा आपको कुछ होने नहीं देगा। कुछ नहीं होगा आपको। हमारी फिक्र करते हैं, हमें हमेशा उनकी फिक्र करनी चाहिए। इसे मुझे मेरे देवा ने सिखाया। देवा की सारी बातें याद है तो फिर देवा को ढूंढा क्यों नहीं? ढूंढा था, बहुत बहुत ढूंढा था। दुनिया में कहीं भी होता ना, कहीं भी उसे ढूंढ ले। जानते कर लू कराते मुझे छोड़कर चला गया इस दुनिया से। मेरी वजह से, मेरी खुद की वजह से।
मैंने वही क्यों किया था जो मुझे बाबा ने करने को बोला था। छह साल की थी मैं, मुझे मेरे दिमाग को बचाना था और उसे बचाने के लिए बाबा ने जो मुझसे बोलने के लिए बोला मैंने बोल दिया। मुझे लगा कि अकेले वही सही है। बाबा ने ना पहली बार मुझसे कुछ मांगा था। तारा बेटा, दीवा की जान खतरे में है। सारे गांव वाले यही कह रहे कि आग उसी ने लगाई थी। लेकिन बाबा, उसने आग नहीं लगाई थी, वो तो मेरे साथ था। मैं जानता हूँ बेटा, पर गांव वाले किसी की बात नहीं मान रहे। वो इतने गुस्से में हैं कि वो देवा को जान से मार डालेंगे। पापा प्लीज, देवा को चलो प्लीज, पापा प्लीज। हाँ हाँ बेटा, हम देवा को बचाएंगे। अब देखो, उसे बचाने की एक ही तरकीब है कि हम उसे पुलिस के हवाले करते हैं, क्योंकि वही एक जगह है जहाँ वो सबसे ज्यादा सेफ रहेगा। पक्का प्रॉमिस बाबा, आप उसे ले आओगे ना? प्रॉमिस बेटा, पक्का प्रॉमिस। आपके पापा ने हमेशा अपना प्रॉमिस निभाया है ना? तो ये वाला भी निभाऊंगा और देवा को वापस घर ले आऊंगा। और बाद में मुझे पता चला, ये पटाखे जो रौनक भैया ने ही चलाए थे, इसकी वजह से आग लगी थी ना, वो रौनक भैया ही थे। पापा को सच पता था, पर रौनक को बचाने के लिए उन्होंने मुझसे झूठ बोलने के लिए कहा। जैसे एक झूठ से सब बदल गया। बाबा को पता था कि देवा बेकसूर है, लेकिन अगर से पहले वो उसे जेल से छुड़वाते ना, हमें पता चला कि देवा मर चुका है। ये 6 महीने पहले जिस बच्चे ने नवरात्रि पंडाल में आग लगाई थी, उसे जिस जुवेनाइल में रखा था, कल रात वो बिल्डिंग ही ढह गई। बहुत सारे बच्चे मलबे में दबकर मर गए और उसमें देवा भी मर गया। उस दिन से उसे मेरा सब कुछ छिन गया। मेरा सबसे खास दोस्त, मेरा अपना एक अंश, सब छिन गया। जानती है तारा मैम, सर बचपन से अपनी मौत मांगता था भगवान से। लगता है आज वो दुआ कबूल हुई। मतलब आज ही मिले हैं और आज ही जुदा हो जाएंगे? क्यों एक बार फिर से बोलिए ना। क्या? मेरा नाम सालों से नहीं सुना आपके मुंह से। देवा, ऐसा लग रहा है जैसे सालों बाद अपना नाम सुन रहा हूं। तारा मिम्सा, मेरे मरने की नहीं, जीने की वजह। तो किस्मत
लग गए कि जिस दिन जीने की वजह मिली उसी दिन मौत। ऐसा मत बोलो देवा, तुम कहीं नहीं जाओगे, यही रहोगे मेरे साथ। बोलो ना देवा, तुम कहीं नहीं जाओगे ना? जिंदगी ऐसी क्यों होती है तारा मेम साहब? हम अपनी मंजिल कहीं और देखते हैं और ये रास्ते कहीं और मोड़ लेते हैं। रास्ते मोड़ते हैं ताकि तो फटके हुए इंसान वापस मिल सके। काश आज की तरह जिंदगी भर करीब रह पाते, एक साथ खुशी खुशी तारा मेरे से। Ciao।